नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात सीएम साय के दौरे की। झारखंड दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय रहेंगे। बता दें, झारखंड के देवघर पहुंचेंगे सीएम और बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करेंगे। बैठक और बूथ लेवल कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो रवाना हो चुके हैं सीएम साय झारखंड के लिए। झारखंड का दौरा उनका रहेगा बेहद खास, चूंकि पहले वो बाबा वैद्यनाथ के दर्शन भी करेंगे, उसके बाद जो है बैठक भी होने जा रही है। बूथ लेवल कार्यक्रमों में भी शिरकत करने के लिए वो पहुंचेंगे। हाँ, कल का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन था, और विशेषकर 70,12,600 विवाहित महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि महतारी बंधन योजना में उनको एक महीने का 1,000 रुपया ऐसा उनके खाता में ट्रांसफर किया गया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सबको मिला, और अब हर महीने उनके खाते में 1,000 रुपया जाएगा जो उनके काम आएगा। सर, आज झारखंड दौरा है, झारखंड दौरा आपका है, किस तरह का दौरा रहेगा? अभी तो पूरा चुनावी दौरा रहेगा। लोकसभा चुनाव का संघनाद कभी भी हो सकता है, चुनावी दौरा रहेगा। सर, 5 सीटों के अभी भी टेस्ट फंसा हुआ है कांग्रेस। अभी उनका मामला है, हमको क्यों बता रहे हैं? कल किसानों को, किसानों को आपको हाँ, कल किसानों के लिए भी ऐतिहासिक दिन रहेगा। कल 24,72,000 किसानों को, जो उनका धान का अंतर राशि है 13,000 करोड़ से ज्यादा की राशि, कल उनके खातों में दिया जाएगा पूरे प्रदेश में। और इसी बीच महादेव ऐप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपी गिरीश तलरेजा और सूरज चौखानी की आज पेशी होनी है। 7 दिन के रिमांड खत्म होने पर ईडी कोर्ट में पेश करेगी। रिमांड में गिरीश और सूरज ने कई सारे राज उगले हैं। लोटस 365 ऐप का भी खुलासा हुआ है। रतनलाल जैन का भी नाम सामने आया है। सट्टे के पैसे को रतनलाल व्हाइट मनी में तब्दील करता था। ईडी रिमांड बढ़ाने की अपील भी कर सकती है। तो आज दोनों की पेशी है, रिमांड खत्म हो चुकी है और आज पेशी भी होनी है, और ये हो सकता है कि ईडी और रिमांड के लिए वक्त मांगे। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, सट्टा ऐप के आरोपियों की पेशी आज होनी है, और क्या माने कि आज पेशी होने पर और रिमांड की अवधि मांगी जा सकती है और रिमांड बढ़ाई जा सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, 1190 करोड़ रुपए के जो काले धन था उसे नंबर वन बनाने की जो बात सामने आई थी, उसके बाद रिमांड की अवधि ईडी है वो बढ़ाने की अपील कोर्ट पे कर सकती है, और इस पर जीरा भी हो सकता है। और जिस तरह से लोटस जो ऐप है 365 उसका भी खुलासा हुआ था, और ये दोनों व्यक्ति हैं जिसपे उनकी जो संलिप्तता है वो पाई गई थी और अलग से उसका संचालन करते थे। 7 दिन की रिमांड की अवधि है, आज खत्म हो गई। 11 तारीख को उन्हें 1:30 बजे कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है सूरज चौखानी और हरीश टिबरेवाल के साथ मिलकर कैसे व्हाइट मनी में ये तब्दील करते थे, इन सब का अहम खुलासा हुआ है। और बाकायदा जो ईडी ने एक पत्र जारी करके भी इस मामले का खुलासा किया है। तो ईडी के पास अहम सुराग लगे हैं। देर सवेर इस पे और भी गिरफ्तारियां हैं वो हो सकती है महादेव सप्ताह ऐप को लेकर के। अब फिलहाल आज ईडी आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड लेकर और भी आगे आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकती है, और पूछताछ इस मामले में कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। कोंडागांव से बड़ी खबर का जिक्र। सवारियों से भरी बस जो है उसमें पथराव हुआ है। अज्ञात नकाबपोशों ने पथराव किया। पथराव में 5 बस के शीशे भी टूट गए। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। सवारियों से भरी हुई बस थी जिस पर पथराव किया गया। अज्ञात बदमाशों के द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया है। बस में पथराव की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया है कि ये बदमाश कौन थे, नकाबपोश थे, नकाब पहनकर के आए थे, और बस पर इन लोगों ने पथराव कर दिया। कोंडागांव का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर ये बस पर पथराव हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, यात्रियों से, सवारियों से भरी हुई ये बस थी जिस पर पथराव हुआ है, क्या कुछ सामने आ पाया है? क्या कोई विवाद बस चालक से या कुछ और?
देखिए इस मामले में अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि बस चालकों से विवाद हो। कल रात 12 बजे की घटना है और जगदलपुर से रायपुर की उस समय ज्यादा बसें चलती हैं सवारियों को लेकर, तो उस रात को 12 बजे अचानक नेशनल हाईवे 30 जो कोंडा गांव से 12 किलोमीटर दूर है लंजोड़ा, वहां पर पुल के पास में कुछ अज्ञात नकाबपोशों ने बस में पत्थरबाजी की और लगातार 5 बसों में पत्थरबाजी करने के बाद वहां पर जो भी गाड़ियां निकल रही थी चाहे कार हो या ट्रक उस पर भी पत्थरबाजी किया। जब वहां पर जाम की स्थिति हुई या बस चालकों ने जब उनको दौड़ाया तो वो वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची थी और उस समय तक सारे आरोपी जो थे जो पत्थरबाजी किए थे वो भाग खड़े हुए। पुलिस लगातार आरोपियों की पत्तासाजी कर रही है और इस घटना में कम से कम 4 से 5 यात्रियों को चोट भी आई है और बस चालक भी घायल हुए हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। बीजापुर का जिक्र, अब नक्सलियों की कायराना करतूत यहां पर सामने आई है। नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी, 8 मार्च को अपहरण किया था और अब हत्या कर दी है। एएसपी बीजापुर ने इसकी पुष्टि भी की है। तो ग्रामीण की हत्या, एक बार फिर कायराना करतूत नक्सलियों के सामने आई है। बौखलाहट कहीं ना कहीं नक्सलियों की खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और इसी बीच एक बार फिर ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सतीश चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, बौखलाहट नक्सलियों के खत्म होने का नाम नहीं ले रही, एक और ग्रामीण की हत्या। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि नक्सली अपनी मौजूदगी फिर से दर्ज कराना चालू कर दिया है। नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या करके शव को रोड पर फेंक दिया है। बताया जा रहा है कि 8 तारीख की रात 10 बजे नक्सलियों ने इसका अपहरण किया था और 10 तारीख को रोड पर लाश को फेंक के चले गए। कुल मिला के नक्सली अपनी दहशत जमाना चाहते थे। कुटरू का वही क्षेत्र है जहां पर इससे पूर्व भी नक्सलियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया था। यह थाना क्षेत्र कुटरू का मामला है। इसकी पुष्टि एएसपी बीजापुर ने मामले की पुष्टि कर दी है कि आज जो नक्सली ग्रामीण की हत्या किए हैं। बताया जा रहा है कि अपहरण के बाद सनसनी फैल गई थी और खोजबीन जारी थी पर ग्रामीण की कोई पतासाजी नहीं होने से ग्रामीण के जो परिजन है उनका हाल भी बुरा हाल था, रो रो के। और जब यह सब रोड पर फेंका मिला तो उसके बाद से ही यह मामले की जानकारी मिली कि उस ग्रामीण की अपहरण किए गए ग्रामीण की हत्या कर दी गई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बिलासपुर का जिक्र, युवती के साथ गैंगरेप हुआ, खंडहर में ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने पीड़िता का वीडियो भी बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी उसे लगातार देते रहे। जान से मारने की धमकी भी दी गई। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। तो दुष्कर्म की वारदात हुई है और इसी पूरे घटनाक्रम में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ेंगे, जानकारी देंगे। तो केन बेतवा की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, कलश यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। सीएम यादव वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें इस वक्त आपको लाइव दिखा रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यहां पर और सीएम, तो ये जल कलश यात्रा का शुभारंभ, केन बेतवा जल कलश यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और सीएम की मौजूदगी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुँच चुके हैं और उनके साथ डेप्यूटी सीएम मौजूद हैं, तुलसीराम सिलावट भी हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। केन बेतवा जल कलश यात्रा का शुभारंभ आज हो रहा है, मंत्री प्रहलाद पटेल की मौजूदगी भी यहां पर है। तो तमाम दिग्गज नेता मंत्री पहुंच चुके हैं, सीएम भी पहुँच चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।
तो भोपाल से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर केन बेतवा जल कलश यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज केन बेतवा जल कलश यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं और कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। ये भी जानकारी आपको इस वक्त दे दें कि ये कार्यक्रम जो है कुशभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में रखा गया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ इस खास अवसर पर मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट विशेष रूप से उपस्थित हैं और भी कई सारे मंत्री हैं जिनकी मौजूदगी इस कार्यक्रम में है। जगदीश देवड़ा, तुलसीराम सिलावट, प्रहलाद पटेल, ये तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं शुभारंभ के लिए, एक खास मौके पर शामिल होने के लिए। तो शुभारंभ होगा केन बेतवा जल कलश यात्रा का, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। ये आपको बता देंगे केन बेतवा जल कलश यात्रा के तहत गांवों में 11 मार्च से यानी कि आज से 13 मार्च तक जल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं जल के प्रति जागरूकता फैलाई जाए और इसी को लेकर ही ये कार्यक्रम की शुरुआत आज की गई है। आज से लेकर 13 मार्च तक यानी परसों तक ये कार्यक्रम चलेगा और मुख्य उद्देश्य जो है इसका जल जागरूकता फैलाना है और इसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसका शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट भी इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर मौजूद हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी का संकल्प नदियों को जोड़ने का जो आपस में था, मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है उनके संकल्प को हमारे राज्य के गौरव देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री के आशीष से डॉक्टर मोहन यादव लिंक परियोजना से एक नहीं दो टीकमगढ़ जिले के 132 गांव जो है लाभान्वित होंगे और इसके लिए केन बेतवा जल कलश यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और इस कार्यक्रम का आयोजन जो है कुशभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में रखा गया है। ये जो कार्यक्रम है संबंधित गांवों में 11 से 13 मार्च तक चलेगा। जल जागरूकता कार्यक्रम अलग अलग जगह आयोजित किए गए हैं जल के अभाव में और इसके तहत कहीं न कहीं केन बेतवा लिंक परियोजना की जानकारी के लिए हम आतुर थे दी गई है कि देश का नेतृत्व इस शक्तिशाली प्रधानमंत्री ने। तो जल कलश यात्रा में जो है सीएम पहुंच चुके हैं और शुभारंभ कुछ ही देर में होगा, आगे बढ़ेंगे और सूरजपुर का जिक्र करेंगे। हाथी ने दो बुजुर्गों को कुचल दिया, एक महिला समेत दोनों बुजुर्ग की मौत हो गई। दल से बिछड़कर ग्रामीण इलाकों में ये हाथी उत्पात मचा रहे हैं, बुजुर्ग के घर को भी ध्वस्त कर दिया। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के दरहोरा की ये पूरी घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। हाथी दल से बिछड़ गया, उत्पात मचा रहा है और 3 दिन से इसी तरह उत्पात हाथी मचा रहा है, पर वन विभाग ने शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया, संज्ञान नहीं लिया और इसी लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं दो बुजुर्गों की जान चली गई। दो बुजुर्गों को कुचल दिया हाथी ने। दरअसल बड़ी मुश्किल से जब हाथी मकान को घर को ध्वस्त कर रहा था वो बड़ी मुश्किल से जान बचा करके भाग रहे थे और उसी बीच हाथी ने हमला कर दिया और दो की मौत हो गई।
धमतरी के दक्षिण जबर्रा के जंगल में हाथियों का उत्पात जारी है। वन विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। आसपास के 6 गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जंगल में नहीं जाने की सख्त हिदायत भी दी गई है। बता दें वन विभाग की टीम हाथियों के झुंड की निगरानी में जुटी हुई है। यहां पर भी हाथियों का उत्पात लगातार जारी है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में वन विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। आसपास के 6 गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया। वहीं दुर्ग में युवक के कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। पड़ोसी ने ही इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उतई थाना क्षेत्र के महाकला की यह घटना बताई जा रही है। हालांकि किस बात को लेकर विवाद हुआ और मौत के घाट पड़ोसी ने ही पड़ोसी को उतार दिया, इस बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है। जांच पड़ताल का विषय है, पर यह है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। और बिलासपुर से आस्था ट्रेन रवाना होगी। सुबह 11:30 बजे ट्रेन ही रवाना हो जाएगी। डिप्टी सीएम अरुण साव हरी झंडी दिखाएंगे। रामलला दर्शन के लिए ट्रेन रवाना होगी। तो बिलासपुरवासी जो है ये आस्था ट्रेन में सवार होकर के जाएंगे। सुबह 11:30 बजे का समय है जब ट्रेन रवाना होगी और इसे हरी झंडी डिप्टी सीएम अरुण साहब के द्वारा दिखाई जाएगी। रामलला के दर्शन करने के लिए भक्त आतुर हैं। और इसी बीच जो है ये आस्था स्पेशल ट्रेन जाएगी। 11:30 बजे इसकी रवानगी होगी। रायपुर में आज एमआईसी की बैठक होने जा रही है। महापौर एजाज ढेबर इसमें मौजूद रहेंगे। एमआईसी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। बता दें सभी जोन के कमिश्नर अधिकारी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। निर्माण कार्य, पेंशन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पिंडरा में 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 90 किलो चंदन के साथ ही इनकी गिरफ्तारी हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 7 लाख का चंदन भी जब्त किया है। बिलासपुर में बाहुबलियों की दबंग गई देखने को मिली है। गरीब के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। जेसीबी से गिरा दिया गया मकान। पीड़ित परिवार और लोगों ने चक्का जाम भी किया। पुलिस को खबर देने के बाद भी दबंग नहीं माने। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर गरीब के आशियाने को ढहा दिया गया दबंगों के द्वारा और पुलिस भी सबके सामने बेबस नजर आई। गरीब के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया, उसका मकान ढा दिया गया और पुलिस भी इस पूरे ही मामले में कुछ नहीं कर पाई। तो उसके बाद लोगों ने प्रदर्शन किया, चिल्ला चोट की, चक्का जाम किया। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।